से जब एक जगह पर कोई अड़चन आई तो उसके लिए दूसरा प्लान जो है वो तैयार करके रखा गया। और जैसा हम बात कर रहे थे कि जब पहली बार ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद पहला व्यवधान आने के बाद निराशा ज़रूर यहाँ लोगों में आई थी, लेकिन उसके बावजूद किसी ने हार नहीं मानी और उसके बाद यहाँ पर एक प्लान बनाया गया कि सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि छह जगहों से, छह विकल्पों पर एक साथ काम किया जाएगा ताकि कोई भी जो विकल्प सबसे बेहतर हो, जिससे सबसे पहले सफलता मिले, उस पर आगे बढ़ा जा सके। और शुरू से ही ये जो रास्ता था टनल के इस मुहाने से, और अब आप देखेंगे कि दूसरी एम्बुलेंस भी जो है वो अब अंदर जा रही है, तो एम्बुलेंसेस के अंदर जाने का सिलसिला जो है वो अब एक के बाद एक यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। यहाँ से एम्बुलेंस जो है वो अंदर जा रही हैं, लोग अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से गतिविधियाँ जो हैं वो बीते करीब आधे पौने घंटे से यहाँ पर तेज़ी से बढ़ी हैं, तेज़ी से लोग जो है अंदर जाने का काम कर रहे हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर आपको तस्वीरों में अंदर भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर, ये खबर इस वक्त जी न्यूज़ पर जान लीजिए। सुरंग के बाहर और भीतर हलचल तेज हो चुकी है, एम्बुलेंस लगातार एक एक करके आपको देखिए इस टनल में भीतर नजर आ रही है, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका। पहले एम्बुलेंस को बाहर रखा गया था, अब यहां पर लाइन से एम्बुलेंस लगनी शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त बाहर निकाले जाएंगे मजदूर। ये 17 दिनों से चल रहा ऑपरेशन, आज मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, किसी भी वक्त मजदूर बाहर आएंगे। एक एक करके एम्बुलेंस को देखिए यहां लाइन से शिफ्ट किया जा रहा है ताकि बिना किसी देरी के अस्पताल मजदूरों को पहुंचाया जा सके। तकरीबन डेढ़ घंटे लगेंगे यहां से अस्पताल पहुंचने में भी, किसी भी वक्त बाहर आएंगे मजदूर। एनडीआरएफ की टीम बहुत पहले ही अंदर जा चुकी थी, रेट माइनर्स लगातार यहां पर माइनिंग कर रहे थे और किसी भी वक्त यहां से बाहर आएंगे मजदूर। तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा, रेस्क्यू से जुड़ी ये बड़ी खबर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर सबसे पहले। तो किसी भी वक्त पूरा हो सकता है रेस्क्यू, और लगातार आप देखिए किस तरह से वहां पर हलचल तेज हो रही है। सुरंग के अंदर ड्रिलिंग का काम अब लगभग पूरा हो चुका है और किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। किसी भी वक्त मजदूर बाहर निकाले जा सकते हैं। रस्सी और सीढ़ी सुरंग में ले जाई गई है, एम्बुलेंस भी भीतर गई है और मजदूरों को सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतने दिनों से चल रहा है, कई अड़चने आई, कई चुनौतियां आई, लेकिन सभी जो मेहनत कर रहे थे वहां पर, जितने भी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, सभी की मेहनत और कोशिश आज रंग लाने वाली है। कुछ ही देर का वक्त बचा है, मजदूरों को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। जो ये तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जो हलचल आप वहां देख रहे हैं, ये इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूरा हो चुका है। एम्बुलेंस भीतर जा रही है और गद्दे अंदर भिजवाए जा चुके हैं, स्ट्रेचर अंदर भिजवाया गया है और सीधे मजदूरों को यहां से अस्पताल ले जाया जाएगा। तो किसी भी वक्त अच्छी खबर वहां से मिल सकती है, बस आखिरी तैयारी अब मजदूरों के बाहर निकलने की तैयारी चल रही है और यहां से सीधा उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा और बीच में उन्हें किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ सकती हो, उन सभी चीजों का ख्याल रखा गया है, हर जरूरत की चीज वहां पर इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तो एम्बुलेंस एक एक करके लगातार भीतर जा रही हैं। वापस अंजलि का रुख कर लेते हैं, ओवर टू यू अंजलि। जी देखिए बिल्कुल एम्बुलेंसेस का अंदर जाना जो है वो जारी है, एक एक करके एम्बुलेंस अंदर जा रही है और इसके साथ ही अंदर एक ही जो पर्दा लगा दिया गया है और साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो अंदर पहुंच गई हैं। गद्दे और बेड्स ले जाने की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं, तो तकरीबन अभी कह सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूर्णता की ओर है, यानी खत्म हो रहा है। और इसके साथ ही आसपास का भी जो मूवमेंट है वो लगातार बना हुआ है। आसपास जो एम्बुलेंस यहाँ पर स्टैंड बाई में खड़ी की गई थी, रेस्क्यू टीम से जुड़ी अन्य जो गाड़ियां थी वो भी अब इस टनल साइट के आसपास जो है वो पहुंचाई जा रही हैं। कुछ ही देर में ये कह सकते हैं कि अगर ये तस्वीरें जब सामने आती हैं, जब लोग बाहर निकल कर आते हैं, तो एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो दे दिया जाएगा जिसके ज़रिए एम्बुलेंस उस अस्पताल तक पहुँच पाएंगी जो यहाँ से करीब एक सवा घंटे की दूरी पर है। तो उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो पहले ही की गई है, कहाँ पर कैसा डिप्लॉयमेंट होगा, पुलिस की जो टुकड़ियाँ पूरे रास्ते में तैनात होंगी जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने में मदद करेंगी, वो तमाम डिप्लॉयमेंट जो है तैयार है
और अब इंतज़ार है अंदर से लोगों के बाहर निकलने का। ऐसे में आसपास के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, क्योंकि इतने दिन से यहाँ के स्थानीय लोग भी जो हैं वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो। कई कई सालों से ये वर्कर्स इसी जगह पर काम कर रहे हैं, तो सबका आपस में एक जुड़ाव भी होता है। वो तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, अलग अलग लोगों की कहानियाँ हैं, और इंतज़ार सबका यही था कि वो 41 लोग जो हैं वो यहाँ से सकुशल बाहर निकल आएँ। 17 दिन का वक्त बीत गया है, इंतज़ार लोगों ने बहुत लंबा किया है, लगातार मेहनत भी की है, लगातार प्रार्थनाएं भी की हैं, और आज उन सब का फल जो है वो मिलेगा। लोग जो है वहाँ अंदर फंसे हुए 41 लोग वो सुरक्षित बाहर निकलेंगे। लगातार उनसे भी बात की जा रही थी, खाने पीने का सामान उन तक पहुँचाया गया और एक चैनल ऐसा स्थापित किया गया जिससे लगातार उनके परिजन जो हैं वो उनसे बात कर सकें। एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी स्थापित कर